गुजरात हारे लेकिन पार्टी में जीत गए राहुल। क्या दिखने लगा है राहुल का असर? अब चार और राज्यों की बारी। आखिर क्या है राहुल गांधी की तैयारी? हाल ही में हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों के बाद कांग्रेस में एक अजब स्फूर्ति सी नजर आने लगी है। शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी दल में हार के बावजूद उसके कार्यकर्ता उत्साहित हैं। हो भी क्यों ना, आखिर गुजरात जैसे राज्य में पहली बार कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभर कर आई है। गुजरात में कांग्रेस की हार जरूर हुई है लेकिन पार्टी में राहुल गांधी का कद बढ़ा है। हाल ही में निर्वाचित अध्यक्ष की कार्य क्षमता को लेकर पार्टी के कुछ बड़े नेता और भाजपा के तमाम नेता आरोप लगा रहे थे, लेकिन राहुल ने इस चुनाव में अपनी क्षमता से परे जाकर न सिर्फ पार्टी की सीटें बढ़ाई बल्कि भाजपा को भी पसीने ला दिए। ये भी मानना जरूरी है कि आखिरकार जीत तो जीत है और वो जीत भाजपा के पाले में आई, लेकिन इस जीत से इतर अब कांग्रेस में हुई राहुल युग की शुरुआत से भाजपा को संभलने की भी जरूरत है। बात जहां तक राहुल गांधी के कार्यकाल की शुरुआत की है तो यह जरूर हुआ है कि राहुल गांधी ने यह चुनाव बेहद ही सोची समझी रणनीति के तहत लड़ा। पूरे चुनाव के दौरान राहुल ने हिंदुत्व को एक मुद्दा बनाए रखा। जहां तक पहले कांग्रेस पर मुस्लिमों का ध्रुवीकरण करने के आरोप लगे हैं, वहीं इस बार राहुल ने मंदिर जाकर यह साबित किया कि कांग्रेस किसी को तोड़ने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम कर रही है। ग्रामीण अंचलों में राहुल गांधी ने लोगों के बीच बैठकर उनसे चर्चा की। इस तरह पूरे चुनाव के दौरान वे विकास को लेकर भाजपा को घेरे रहे। इन मुद्दों ने सीधे भाजपा के खाते की 18 सीटें घटाकर कांग्रेस की झोली में डाल दी। गुजरात में कांग्रेस ने 18 सीटें बढ़ाई, वहीं भाजपा ने 18 सीटें 2012 के मुकाबले गंवाई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को पहले से ही अपनी हार का अंदेशा हो गया था क्योंकि वहां सत्ता विरोधी लहर का असर दिख रहा था, लिहाजा वहां की हार से कांग्रेस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुजरात ने कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दी है। कांग्रेस के बड़े नेता भी अब राहुल गांधी की तारीफ में यही कह रहे हैं। ये एक बेहतरीन प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का केवल नहीं लेकिन हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी का रहा। जिस तरीके से भाजपा के गढ़ में जाकर उन्होंने सेंध मारी, जहां भाजपा के 70 केंद्र के मंत्री, 200 सांसद, 400 विधायक और 15 मुख्यमंत्री डटे रहे थे अपने ही राज्य को बचाने के लिए, पूरे देश की भाजपा की ताकत को झोंक दी थी, उसका जवाब पूरी पूरी तरह से गुजरात की वीर जनता ने दे दी। कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होते हुए भी राहुल गांधी ने अपने भाषण में यही बात दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा तोड़ने का काम करती है और कांग्रेस जोड़ने का। उन्होंने युवाओं से कांग्रेस के साथ आने का आह्वान भी किया था और अब शायद वे इसी मुद्दे को लेकर आगे की लड़ाई जारी रखेंगे। कांग्रेस इज एन एंशिएंट आइडिया। द बीजेपी वुड हैव यू बिलीव दैट दे आर द ओल्डेस्ट आइडिया इन द यूनिवर्स। इन इंडिया देयर आर टू आइडियाज दैट हैव हिस्टोरिकली क्लैश्ड, द आइडिया ऑफ द सेल्फ वर्सेस द आइडिया ऑफ द अदर। We the Congress have always been guided in service of our community of brothers and sisters. We fight for everyone and for all those in the periphery, all those relegated to the fringes. We consider the BJP our brothers and sisters, even though we do not agree with them. They want an India free of the Congress. They want to erase us. But the Congress's inclusion and respect for all Indians extends even to the BJP. अब चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी का कहना है कि गुजरात की जनता ने मोदी सरकार को जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा को संभल जाना चाहिए। राहुल जो बोले, उनके बयान में उन्होंने आगे की रणनीति को बड़े ही मौन तरीके से जाहिर कर दिया। देखिए, मोदी जी ने बोला है कि विकास का चुनाव है, उन्होंने बोला कि जीएसटी पर मोहर है। अजीब सी बात है, चुनाव में उनके भाषणों में ना विकास की बात हो रही थी
ना जीएसटी के माहौल की बात हो रही थी, ना नोटबंदी की बात हो रही थी। मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठ गया है, एंड फ्रेंकली मोदी जी हैज अ क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम एंड ही विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। उनको बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो उनकी जो फोर्सेस हैं, उनका जो संगठन है, उसको वो रिपीट कर रहा है, मगर देश उसको सुन नहीं रहा है। ये गुजरात के चुनाव ने दिखाया, और ये आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह दिखेगा। आने वाले दिनों में देश में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और कर्नाटक में चुनाव होना है। इनमें से तीन राज्य तो छोटे हैं, लेकिन कर्नाटक में दोनों ही दल अपनी साख के लिए लड़ेंगे। जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस को यह राज्य बचाने की कवायदें करनी होगी, वहीं भाजपा को इस राज्य को जीतकर दक्षिण में अपने कदम मजबूत करने होंगे। वहीं मध्य प्रदेश के आगामी चुनावों में भी राहुल का असर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा से लेकर मुख्यमंत्री के चेहरे तक राहुल गांधी की मर्जी से ही सब कुछ तय होगा। अब देखना होगा कि क्या राहुल राज में कांग्रेस के बड़े नेता अपने आपसी मतभेद भुलाकर गुटबाजी की रणनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस के लिए काम करेंगे। नतीजे चाहे कुछ भी हो, लेकिन धीरे धीरे मजबूत होती कांग्रेस के साथ भाजपा का मुकाबला देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया।